विकासखंड कुनिहार की ग्राम पंचायत रौड़ी के उप प्रधान जीतराम पर जानलेवा हमला व उनकी हत्या का प्रयास करने को लेकर प्रधान उप प्रधान परिषद विकासखंड कुनिहार का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में डीएसपी दालाघाट से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी संदीप शर्मा को ज्ञापन सौंपा और इस बाबत उचित कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार, आज जो हमारी एसोसिएशन यहाँ पर आई थी दाड़ला में, तो हम लोगों ने जो आज निर्णय लिया, जितने भी प्रधान उप प्रधानगण आज लोगों के बीच में जाके कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है और भविष्य में कोई ऐसा काम ना हो, कोई इस तरीके का कृत्य ना हो, इसके लिए हम लोगों ने ये आज प्रण किया कि भविष्य में अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम सब लोग कड़ा संज्ञान लेंगे। और सरकार से भी आज निवेदन करते हैं इस मन से कि जो भी आपसे हो सकता है इस विषय में, ताकि जो जनप्रतिनिधि होता है, बहुत कम मतलब मानदेय पर कार्य करने वाला एक व्यक्ति इतने कम समर्थ पर लोगों के लिए कार्य करता है, और आज अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो भविष्य में क्यों कार्य करेगा। अगर वो लोग कार्य करेंगे तो तब कर पाएंगे अगर लोगों का साथ होता है और सामाजिक सुरक्षा उसे भी मिलती हो, क्योंकि जब न्याय की बात आती है या कोई कार्य की बात आती है तो प्रधान उपप्रधानों को हर एक कार्य दिया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे सेंटर के द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा भी हो, सारे कार्यों को पंचायती राज के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो मैं आज इस मंच से निवेदन करता हूँ कि भविष्य में हम लोगों की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है, हम लोगों के ऊपर कोई ऐसी आँच आती है तो भविष्य में हम लोगों को न्याय मिले, अगर हमें न्याय नहीं मिल पाया तो हम लोगों के साथ न्याय कैसे करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारी ग्राम पंचायत रौड़ी के उप प्रधान जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उस व्यक्ति पर प्रशासन और पुलिस उचित कार्रवाई करे, इसके लिए हम डीएसपी साहब के पास गए थे और हमने आज एक दाड़ला की पंचायत में मीटिंग भी की है ताकि उस आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और उसको उचित सज़ा मिले, ताकि आने वाले समय में किसी को भी इस तरह का कहीं भी इस तरह की घटना ना हो सके। कल ग्राम पंचायत रोड़ी के हमारे सम्मानित उप प्रधान श्री जीतराम जी पे जो जानलेवा हमला किया गया, उस विषय में आज हम सभी प्रधान उप प्रधान परिषद विकासखंड कुनिहार के प्रतिनिधि डीएसपी दाड़ला से मिले और हम सभी ने मिलकर डीएसपी साहब से निवेदन किया कि जिस व्यक्ति ने हमारे सम्मानित उप प्रधान पे हमला किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा प्रशासन से और पुलिस से निवेदन है कि जो ये सामान्य धारा इस व्यक्ति पे लगाई गई है, इस व्यक्ति के खिलाफ जो इसने जघन्य अपराध किया है, जान से मारने की पूरी कोशिश की है, इसके खिलाफ धारा 307 के में जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम सभी समस्त पंचायत प्रधानगण उप प्रधानगण अगर इस पर कोई कार्रवाई प्रशासन या पुलिस नहीं करती है तो हम सभी मिलकर सभी पंचायतों में पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और एसडीएम कार्यालय अर्की के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम सभी लोगों की आज एक प्रशासन और पुलिस से गुजारिश है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि जिन पे इस आदमी ने हमला किया है तो एक समाज में एक सबक मिले इस आदमी को। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए दाड़ला घाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।